खर्चा रेसिपी चैनल। आज हम इटालियन डिश ब्रुशेटा देसी स्टाइल से बना रहे हैं। एकदम यम्मी सी रेसिपी है और तुरंत बनने वाली है, ज़्यादा समय भी नहीं उसमें आ जाता है और टेस्टी है। तो कुछ नया टेस्ट करना है तो हम बना रहे हैं ब्रुशेटा। अब इस तरह से स्लाइस है तो इसे मैं बटर से कर लेती हूँ। इस तरह से पूरा लगाना है, चाहे तो आप इसे तेल में भी कर सकते हो। इस तरह से हमने लगा दिया है बटर, तो अभी हम इसे एक साइड से पूरा अच्छी तरह से सेक लेते हैं। अभी चलते हैं गैस की तरफ। अभी जिस साइड पे हमने बटर लगा है वो साइड नीचे करते हैं और इसे हम सेक लेते हैं। हमें एक ही साइड सेकना है तो अभी इसे हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं, देखिए इस तरह से सेक गए हैं। तो इस तरह से हम इसे निकाल देते हैं, अभी सभी को हम निकाल देंगे। अभी तड़का देने वाला हमने बर्तन रखा है तो इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अभी ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो जो ये लहसुन है मैंने 8-9 कली ली है कवर के साथ, तो इसमें हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जब तक उसका कलर चेंज नहीं होता है तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। अभी इसका अच्छी तरह से कलर चेंज हो गया है और ये सिक गए हैं तो इसी स्टेप पे गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम तेल में से निकाल देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। अभी गार्लिक ठंडा हो गया तो इसके हम कवर निकाल देते हैं। अभी इस तरह से इसे हमने कवर निकाल दिया है तो इसके हमें छोटे छोटे पीस करना है, एकदम छोटे छोटे इस तरह से। इस तरह से मैं सभी बना लेती हूँ। अभी इस तरह से हमने छोटे छोटे काट लिया है। अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हमने जो टमाटर छोटे छोटे काट के रखे वो डाल रहे हैं। साथ में प्याज, स्प्रिंग ओनियन भी लिया है तो स्प्रिंग ओनियन डालते हैं। ये जो गार्लिक हमने छोटे छोटे काट के रखे हैं वो भी डाल देते हैं। ये बेसिल लीव्स है, इसे हम हाथ से तोड़ के डालेंगे। साथ में डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार और ब्लैक पेपर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जो साइड हमने सेकी थी वो ऊपर रखते हैं इस तरह से। इसके हम इस तरह से डालेंगे। मैं इस तरह से पूरा कवर कर लेती हूँ। इस तरह से हमने रेडी कर दिया है। अभी हम चीज डालेंगे। सबको हम कवर कर देंगे इस तरह से। आपको चीज जैसे ही पसंद है आप उस तरह से डाल सकते हैं। इस तरह से हमने रेडी करके रखा है तो अभी चलते हैं गैस की तरफ। हमने गैस को स्लो में रख दिया है ताकि जो हमारा पैन है थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो अभी हम गैस की तरफ चलते हैं।
अभी हम गैस ऑन कर दिया है, धीमी एकदम स्लो में है। तो इस तरह से हम मटर डालते हैं और इस तरह से हम एक एक इस तरह से रख देते हैं। मैं बटर में कर रही हूँ, चाहे तो आप ऑयल में कर सकते हो या घी में, आपको जो भी पसंद है आप कर सकते हो। और ऊपर से हम कवर कर देते हैं। लगभग 3 मिनट, 3 से 4 मिनट जैसे हो गए, हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, मैं आपको पास से बताती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हो गया है। और हमें इसी तरह से चाहिए, आपको जैसे भी चीज़ डालना पसंद है उस तरह से आप डाल सकते हो। तो अभी इसे हम निकाल लेते हैं। ब्रुसेटा रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया से लग रही है, वाह मस्त। और बनाने में ये आसान है, तो इस तरह से ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब पसंद है तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप किस तरह से बना रहे हैं ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और थोड़ा नया अंदाज से इस तरह से ज़रूर बनाइए, खाने में एकदम मस्त है, तो आप ज़रूर बनाइए, सबको पसंद आने वाली। धन्यवाद।